सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी के लिए हरियाणा के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। तो हम वो क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में उनकी पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन उसके साथ 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। देखो भाई, अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो YouTube चैनल है श्री राम क्लासेस, आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट की प्रोवाइड करवाता रहेगा टाइम के अनुसार, ठीक है? चलो भाई करते हैं शुरू। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं शुरुआत करता हूँ तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में पंजाब केसरी नाम से किस इंसान को जाना जाता है? कौन सा पंजाब केसरी बोल रखा है भाई? देखो, उसने हमसे पूछा क्या है पंजाब केसरी। तो आप लोग याद रखना, पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी नाम से हम किसको जानते हैं? लाला लाजपत राय को। और ये जो लाला लाजपत राय है, इनसे संबंधित को मतलब कि क्वेश्चन बन जाए कि इनकी कर्म भूमि या फिर राजनीतिक भूमि, तो वो कौन सी रहेगी भाई? हिसार, ठीक है? कौन सी रहेगी? हिसार। तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी नाम से जानते हैं, इनकी कर्म भूमि या राजनीतिक भूमि हिसार रहेगी। अब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है, तो एक चीज और याद रखना कि हरियाणा केसरी नाम से किसको बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग है भाई, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय है और हरियाणा केसरी हम बोलेंगे पंडित नेकी राम शर्मा को। पंडित नेकी राम शर्मा, पंडित नेकी राम शर्मा का संबंध कहाँ से मिलता है भाई हमको? रोहतक के केलंगा गांव से, ठीक है? रोहतक में एक गांव है केलंगा गांव, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। और इनका टाइम पीरियड जो है ना, 4 सितंबर 1887 से लेकर के 8 जून 1956, ये था। अब पंडित नेकीराम शर्मा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हरियाणा केसरी नाम से जानते हैं। बात सुनो, अब पंडित नेकीराम शर्मा को उठाइए, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। पंडित नेकीराम शर्मा, इन्होंने ना क्या किया था, एकमात्र हरियाणा में जो थे, इन्होंने क्या किया, सैन्य भर्ती अभियान जो आपका चला था ना, उसका विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैन्य भर्ती अभियान चला था हरियाणा में, उसका विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया। ठीक है, और इनके बारे में एक खास बात और याद रखना कि पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है ना क्या किया, एक तो सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया और दूसरा इनका एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था उसके बारे में भाई, इन्होंने क्या बोला कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। अगर ये पूछा जाए कि ये नारा किसने दिया, तो याद रखना पंडित नेकी राम शर्मा ने दिया था। ठीक है भाई, तो आप लोग याद कर लेना पंजाब केसरी लाल लाजपत राय के बारे में और हरियाणा केसरी पंडित नेकी राम शर्मा को बोलेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लाला लाजपत राय से, ये भाई लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की स्थापना कब की? ठीक है, अब देखो, हमने अभी पढ़ा है कि लाला लाजपत राय का राजनीतिक या कर्म भूमि जो भी है वो कौन सी रहेगी? हिसार। और हिसार में लाला लाजपत राय ने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस की। और वो कब की? 1887 में। कब की थी? 1887 में। वैसे अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस कहाँ आई, हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस जो है ना पहले कहाँ आई थी भाई, ये अम्बाला में आई थी 1886 में। कब आई थी? 1886 में। और इसको लेके कौन आए थे? लाला मुरलीधर। कौन लेकर के आए थे भाई? लाला मुरलीधर। अब लाला मुरलीधर है, इनका संबंध कहाँ से मिलेगा आपको? पलवल से। ठीक है, लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से मिल जाएगा हमको? पलवल से। अब एक चीज और याद रखना, लाला मुरलीधर को हम लोग किस नाम से बोलते हैं? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसको बोलते हैं? लाला मुरलीधर को। ठीक है,
अम्बाला में सबसे पहले ही 1886 में, अगर कांग्रेस वैसे तो ना 1885 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, कांग्रेस की इंडिया में, और हरियाणा में इसको सबसे पहले लाला मुरलीधर लेकर के आते हैं अम्बाला में 1886 में। उसके बाद में लाला लाजपत राय तो 1887 में हिसार को लेकर के आते हैं, और पंडित नेकीराम शर्मा भी कांग्रेस को रोहतक में लाते हैं, कब, 1887 में, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट याद कर लेना, देखो एक क्वेश्चन से हमारे कितने सारे क्वेश्चंस बन गए। तो कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना याद रखना कि अंबाला में सबसे पहले आया, कौन लेके आया, लाला मुरलीधर, जिनका संबंध कहाँ से है बेटा, पलवल से है। दूसरी चीज, पंडित नेकीराम शर्मा ने कांग्रेस की स्थापना रोहतक में कब की, 1887 में। इसी तरह लाला लाजपत राय ने भी क्या किया, 1887 में कांग्रेस की स्थापना हिसार में की थी, ठीक है भाई। ओके, अब एक क्वेश्चन और भी बता देता हूँ भाई। जैसे मान लो सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किसने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। एक चीज और याद रखना कि सबसे ज्यादा सिपाही इसमें जो भर्ती हुए थे ना, वो रोहतक से हुए थे। कहाँ से भर्ती हुए थे, रोहतक से। 22,144 सिपाही, कितने भाई, 22,144 सिपाही भर्ती हुए थे, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि हरियाणा में जयंती देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। जयंती देवी का मंदिर पूछा, ठीक है। अब देखो जयंती देवी के बारे में क्वेश्चन क्या है भाई, हरियाणा में जयंती देवी का मंदिर पूछ रखा है। जयंती देवी का मंदिर, अब ना जयंती देवी का मंदिर जो ना वैसे तो कहां पड़ता है, ये आपके जींद में। देखो भाई, अब जयंती देवी इसको ना वैसे विजय की देवी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजय की देवी, यानी कि जीत की देवी। अब विजय की देवी इसको बोलते हैं, तो पांडवों ने यहां पर क्या किया था भाई, जयंती देवी की पूजा की थी, और जहां पर पांडवों ने पूजा की ना, उस जगह का नाम क्या हो गया, जयंती नगरी। जिस जगह पर पांडवों ने पूजा की थी, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जयंती नगरी, या फिर जयंती पुरी भी बोल देते हैं, ठीक है, जयंती पुरी बोल देते हैं, या फिर जयंती नगरी। और प्रेजेंट टाइम पे यही जयंती नगरी आपकी क्या कहलाती है, जींद, ठीक है, क्या कहलाएगी, जींद। जींद से दो क्वेश्चन बड़े फेमस होते हैं, पहला तो आपका यही जयंती देवी का मंदिर जींद में है, किससे संबंधित है, पांडवों से, क्या किया था उन्होंने जो है यहाँ पर पूजा की थी जयंती देवी की, और उनको विजय प्राप्त हुई, ठीक है। और जयंती पुरी या जयंती नगरी हम लोग जींद को ही बोलते हैं। दूसरा वो सफेदों के बारे में पूछता भाई, सफेदों का प्राचीन नाम या सर्प दमन किसको बोलते हैं, ठीक है, तो सफेदों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सर्प दमन। आप लोग जानते हो कि एक राजा थे, नाम था राजा परीक्षित, ठीक है, राजा परीक्षित की जो है ना तक्षक नाक के काटने से क्या हो जाती है, मृत्यु। अब तक्षक नाक को कौन काट जो है काट लेता है, किसको, राजा परीक्षित को, और इसी बात का बदला लेते हैं राजा परीक्षित के पुत्र राजा जनमे। राजा जनमे ना बदला लेने के लिए क्या करवाते हैं, एक सर्प दमन यज्ञ करवाते हैं भाई, क्या करवाते हैं, सर्प दमन यज्ञ। अब जहां पर ये यज्ञ होता है उसी जगह का नाम क्या पड़ जाता है, सर्प दमन। और सर्प दमन को प्रेजेंट टाइम में हम लोग किस नाम से बोलते हैं, सफीदो, ठीक है, क्या नाम बोल देंगे भाई इसको, हम लोग सफीदो बोल देते हैं। तो ये था सर्प दमन के बारे में और जयंतीपुरी के बारे में भाई, उतार लिया वो सभी ने शायद। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है ये है भाई, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी। विमान दुर्घटना भाई, चरखी दादरी की विमान दुर्घटना फेमस है भाई, 3 से 4 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। विमान दुर्घटना देखो भाई, ये विमान दुर्घटना हुई कब थी, 1996 में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 1996 में। आपको इससे दो ही बातें याद रखना, कि विमान दुर्घटना हुई कहाँ थी, ये चरखी दादरी में, और कब हुई, 1996 में, ठीक है। जो ये विमान दुर्घटना हुई थी ना, इस विमान का क्या नाम था, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो कि सऊदी अरब एयरलाइंस, सऊदी अरब एयरलाइंस 763, ठीक है, ये इस जहाज का नाम था विमान का, और इसके अंदर लगभग 350 लोग मारे गए थे, ठीक है, कितने लोग मारे गए,
350 लोग यानी 350 लोग इसमें मारे गए थे। अब चरखी दादरी से एक क्वेश्चन और बड़ा फेमस बनता है, वो कौन सा होगा? सीमेंट फैक्ट्री के बारे में। सीमेंट फैक्ट्री सभी को पता है, सीमेंट फैक्ट्री जो है ना 1938 से 39 के बीच में किसने बनवाई थी? रामकृष्ण डालमिया ने। ठीक है, सेठ थे रामकृष्ण डालमिया, उन्होंने ही इस फैक्ट्री का निर्माण करवाया था। लेकिन क्वेश्चन एक बार ये आया था कि रामकृष्ण डालमिया ने सीमेंट फैक्ट्री किन लोगों की सहायता से या फिर किन इंजीनियर की सहायता से बनवाया था? तो याद रखना, जर्मनी के इंजीनियर की सहायता से बनवाया था। ठीक है, जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से इसने क्या किया, सीमेंट फैक्ट्री को बनवाया था। लेकिन हुआ क्या, सीमेंट फैक्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीमेंट फैक्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन बेटा 2 बार रिपीट हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या था कि सीमेंट फैक्ट्री को सीमेंट फैक्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कब अपने अधीन किया या अधिग्रहित किया? ठीक है, तो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस फैक्ट्री को 23 जून 1981 को क्या कर लिया, अपने अधिकृत कर लिया। 2 बार क्वेश्चन आया था बेटा, ये डेट याद रखना। क्या होगा, 23 जून 1981 को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कर लिया, इसको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था भैया आपका, सीमेंट फैक्ट्री वाला और चरखी दादरी में जो विमान दुर्घटना हुआ था वही था। 1938 कौन था, रामकृष्ण डालमिया था। ठीक है, रामकृष्ण डालमिया ने बनवाया था इसको। और याद रखना ये किसकी सहायता से, इंजीनियर थे जो वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के इंजीनियर थे। ठीक है बेटा, ओके भाई, समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक, देखो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये पूछा गया है कि गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था। अब जितने भी गुमशुदा बच्चे हैं, जो बच्चे बेटा गुम हो जाते हैं ना, उनकी तलाश के लिए पुलिस ने एक अभियान चलाया है। ठीक है, तो उस अभियान का नाम पूछ रखा है, तो याद रखना इस अभियान का नाम क्या होगा, ऑपरेशन मुस्कान। क्या नाम होगा, ऑपरेशन मुस्कान। ये एक बार आ चुका भाई एग्जाम में, भाई गुमशुदा जितने भी बच्चे होते हैं ना बेटा, उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट है? आप सबको पता है भाई ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, और सभी को इसका नॉलेज भी है ना कि हरियाणा में विधानसभा सीट कितनी है। तो याद रखना, हरियाणा में विधानसभा सीट जो है वो कितनी रहेगी, 90+1। लेकिन हम लोग कितना काउंट करते हैं, 90, क्योंकि आप सभी को पता होगा इस चीज का कि एक सीट जो है ना वो कौन मनोनीत करता है भाई, राज्यपाल, उनकी मर्जी होती है, अभी वो एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा में आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो इसीलिए हम कितनी सीट काउंट करते हैं, 90। ठीक है, अब 90 सीट काउंट ही करते हैं हम लोग विधानसभा में। अगर वो ये पूछे कि जब हरियाणा बना यानी कि 1966 में कितनी सीट थी, तो आप लोग बता दो कि 54 सीट थी। अगर वो बोले कि 1967 में कितनी सीट हो गई थी भैया, 81, और 1977 में ये सीट कितनी होगी, 90। ठीक है, 90, और कब तक ये सीट 90 ही रहेगी, 2026 तक ये सीटें जो है कितनी रहेंगी भाई, 90 ही रहेंगी 2026 तक। ठीक है, तो राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत करता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो हम लोग कितनी सीटें पड़ेंगे, सिर्फ 90। ये कम से कम भी 4 से 5 बार रिपीट हुआ है भाई। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अब ये शायद आपको याद करना पड़ेगा, शायद इनमें से कोई क्वेश्चन बन जाए भाई, कौन से ईयर में हरियाणा की कितनी विधानसभा सीट थी। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में राज्यसभा सीट कितनी है। अब भाई राज्यसभा सीट के बारे में आप सभी जानते हो कितनी होगी, राज्यसभा सीट ना हरियाणा में कितनी है, 5। अब कौन कौन सी भाई वो देख लो, राज्यसभा सीट 5 है, यहां से कौन कौन से मेंबर हैं वो देखो। पहला एक आता है दीपेंद्र पोल वत्स, ठीक है, डीपी वत्स या दीपेंद्र पोल वत्स, 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा और ये बीजेपी पार्टी के संबोधित करते हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी से। दूसरा सुभाष चंद्र भाई, ठीक है, ये स्वतंत्र, और इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 2022 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 2022 तक। अब तीसरा आता है भाई कुमारी सैलजा के बारे में याद रखना, अप्रैल 2020 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
ठीक है, कब? अप्रैल 2020 में इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा भाई? समाप्त हो रहा है, ठीक है, समाप्त हो रहा है। चौथा नंबर देखो, राम कुमार कश्यप, इन्होंने भाई 4 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था अपना, कब दिया था? 4 नवंबर को, तो इसलिए ये सीट अभी क्या है, खाली हो चुकी है। इसी तरह एक और है, अभी आप लोगों ने 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ा है कि वीरेंद्र सिंह ने भी क्या कर दिया भाई, इस्तीफा दे दिया है, तो ये सीट भी क्या हो जाए, खाली हो जाएगी। वीरेंद्र सिंह वैसे इनका कार्यकाल 2022 तक चलना था, लेकिन इन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया निजी कारणों की वजह से, तो क्या हो भाई, आपकी ये 2 सीट खाली है अभी फिलहाल, ठीक है। राम कुमार कश्यप वाली सीट एक खाली हो गई, और इन्होंने 4 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था, और वीरेंद्र सिंह भाई हाल ही में इस्तीफा दिया, तो ये भी सीट खाली हो गई। तो और अप्रैल 2020 में कौन सी सीट खाली हो जाएगी? कांग्रेस वाली कुमारी सैलजा वाली सीट भी खाली हो रही है, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स जो है ना, आगे अप्रैल तक क्या हो जाएंगे, तीनों सीटें खाली, फिर उसके बाद में दोबारा ये हरियाणा के विधानसभा द्वारा चूज किए जाएंगे भाई, कौन कौन से सदस्य राज्यसभा में भेजे जाएंगे। तो अभी बस इतना याद रखना है भाई, टोटल सदस्य कितने हैं राज्यसभा के? 5, और विधानसभा में कितने हैं? 10। अगर वही क्वेश्चन अगर वो लोकसभा के बारे में पूछे तो आपको कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, ठीक है। राज्यसभा में कितना होगा? 5, विधानसभा में 90, और लोकसभा में 10। उतार लिए सभी ने इसको? अब देखो लोकसभा सीट के बारे में बताता हूं थोड़ा बहुत। लोकसभा सीट भाई इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ना मेंबर्स जो है वो चेंज हुए हैं, फिलहाल ही में क्या हुआ था, इसका इलेक्शन हुए थे ना, वो देख लो। तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, कितनी है? 10। देखो 10 में से 2 आरक्षित है आपकी, वो आरक्षित वाला बताता हूँ। देखो पहले हिसार पढ़ो, देखो हिसार से पहले दुष्यंत चौटाला थे, लेकिन अभी कौन बना है? बृजेंद्र सिंह, ठीक है। 10 के 10 मेंबर बीजेपी के, इस चीज को ध्यान रखना। हिसार से देखो भाई 2 आरक्षित सीट बताया था, एक तो था भाई आपका अंबाला और दूसरा कौन सा था? सिरसा। तो ये 2 सीटें है ना वो आरक्षित है। सिरसा से पहले कौन था? चरणजीत सिंह, और अब कौन है? सुनीता दुग्गल। अब कौन है? सुनीता दुग्गल। अंबाला, ये दोनों सीटें क्या बोलेंगे? रिजर्व यानी कि आरक्षित है, ठीक है। अब अंबाला से कौन है? रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया इसी तरह और भी है। चौथा देखूं, अब कुरुक्षेत्र से पहले राजकुमार सैनी थे, अभी कौन है? नायब सिंह सैनी। उसके बाद देखो रोहतक, पहले दीपेंद्र हुड्डा थे, लेकिन अभी कौन है? अरविंद शर्मा। करनाल, करनाल से कौन थे? पहले थे आपके अश्विनी चोपड़ा, लेकिन अभी कौन है? संजय भाटिया, ठीक है। संजय भाटिया कहां से रहेंगे? करनाल से। सोनीपत, यहां से कौन है भाई? रमेश चंद्र कौशिक। कौन रहेगा? रमेश चंद्र कौशिक। आठवां देखो, भिवानी महेंद्रगढ़, याद रखना भाई, एक से ज्यादा जो है सीट वहां पे भी लोकसभा सीट हो सकती है, ठीक है। दो, जैसे दो अब जिले हैं हरियाणा के, भिवानी और महेंद्रगढ़, अब इन दोनों सीट की कंबाइन है, ठीक है। तो कौन है यहां से? धर्मवीर। फरीदाबाद, फरीदाबाद से कौन रहेगा? कृष्ण पाल गुज्जर। कौन रहेगा? कृष्ण पाल गुज्जर। इसी तरह 10वां गुरुग्राम, यहां से कौन रहेंगे भाई? राव इंद्रजीत सिंह। तो ये 10 जो है आपकी वो लोकसभा सीट रहेंगी। तो देख लो भाई, इसमें से 2 आरक्षित है, सिरसा और अंबाला, बाकी ये 10 लोकसभा सीट है आपकी, तो इनको याद कर लेना, पता नहीं कौन सी वो पूछ लेगा, ठीक है। या तो वो ये पूछेगा टोटल लोकसभा सीट कितनी है, सबको पता 10 होती है, या फिर वो इनमें से पूछ लेगा भाई कौन सी सीट पर अभी कौन प्रेजेंट में सांसद है, ठीक है। एक चीज और याद रखना कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष जो है ना वो कौन रहेगा आपका? ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता। इसी तरह उपाध्यक्ष जो है पता होना चाहिए, रणवीर गंगवा, रणवीर गंगवा, या फिर प्रोटेम अध्यक्ष। प्रोटेम अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो सबको शपथ दिलवाता है, ठीक है।
प्रोटेम अध्यक्ष, जब तक आपका अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा तब तक शपथ कौन दिलवाएगा आपका? प्रोटेम अध्यक्ष होता है, तो वो कौन है भाई, कौन बने थे? रघुवीर कादियान बने थे, ठीक है, रघुवीर कादियान, बेरी झज्जर भाई इनका विधानसभा क्षेत्र है, रघुवीर कादियान। उतार लिया होगा सभी ने साथ के साथ में, तो इसको बेटा देख लेना विधानसभा सीट कितनी है या फिर राज्यसभा सीट कितनी है, वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। अब राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के बारे में क्वेश्चन आया है कि ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट देखो भाई, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। अब राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार में भाई, कहां पर प्रेजेंट है ये? हिसार के खेदड़ में, ठीक है, कहां पर होगा? खेदड़ में। इसके बारे में दो तीन बातें और जान लो भाई, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार के खेदड़ में है, जो 1200 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। कितना? 1200 मेगावाट, यानी कि 600 600 की कितनी यूनिट है यहाँ पर? दो यूनिट है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था भाई। किसने किया था? मनमोहन सिंह ने किया, और कब किया? 24 अगस्त 2010 को, ठीक है, कब किया था? 24 अगस्त 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था। अब इसके अंदर जितना भी कोयला यूज होता है ना, वो कहाँ से आता है? उड़ीसा से, ठीक है, और वैसे सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में। और इसमें जो यूज होगा वो कहाँ से आएगा बेटा? उड़ीसा से, ठीक है। उसके बाद में देखो, अगर ये पूछे ना इसके ऊपर टोटल खर्चा कितना हुआ, तो 4512 करोड़ के आसपास हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान के गवर्नर ने जाइन खान भाई, क्या नाम है? अफगानिस्तान का एक गवर्नर था जाइन खान। क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान के गवर्नर जाइन खान ने जींद का राजा किसको बनाया था? क्या भाई? जींद का राजा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देखो भाई, एक तो बात ये है कि जाइन खान ने जींद का राजा किसको बनाया था? 1763 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया? 1763 में। और किसको बनाया? राजा गजपत सिंह को। किसको बनाया था भाई? गजपत सिंह को। अब ये क्वेश्चन तो शायद अभी तक आया नहीं है, ठीक है भाई, जाइन खान ने अफगानिस्तान का गवर्नर था, इसने जींद का राजा कब बनाया, तो वो 1763 में शायद आने वाले एग्जामों में आ सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना, क्वेश्चन ये जरूर पूछा है कि गजपत सिंह का किला ये कहां पर है? गजपत सिंह का किला भाई, ठीक है, ये जींद में है, और कब बनाया गया था? 1795 में बनाया गया था। कब भाई? 1795 में। बस ये क्वेश्चन आया आपका दो से तीन बार, गजपत सिंह का किला जींद में है और बना कब था? 1795। और गजपत सिंह को राजा किसने बनाया था? अफगानिस्तान के गवर्नर, नाम क्या था? जाइन खान। और कब बनाया था? 1763 में, ठीक है। उसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन आता है कि अल रुबिनी ने अपनी किताब उल हिंद में किसका वर्णन किया? देखो भाई, अपना एक अल रुबिनी है भाई, कौन है? अल बुरुनी। इन्होंने ना एक किताब लिखी, किताब का नाम था किताब उल हिंद। क्या नाम था? किताब उल हिंद। इस किताब उल हिंद का मतलब है भारत की खोज। क्या नाम होगा? भारत की खोज होता है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं हिंद का दर्पण। क्या बोल सकते हैं? हिंद का दर्पण नाम से संबोधित कर सकते हैं, भारत की खोज भी बोल सकते हैं, या फिर किताब उल हिंद तो इन्होंने लिखा ही था। तो किताब उल हिंद में अल रुबिनी ने किसका वर्णन किया है भाई? ब्रह्म सरोवर का। किसका? ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है, जो कि मत्स्य पुराण के अनुसार सबसे पवित्र सरोवर है। और इस सरोवर को वैसे किसने बनवाया था? राजा कुरु ने। राजा कुरु ने बनाया था। अगर वो ये पूछे कि ब्रह्म सरोवर को दोबारा या फिर इसकी मरम्मत किसने करवाई थी, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने इसकी मरम्मत करवाई थी। अब गुलजारी लाल नंदा से एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है भाई, कौन सा? कि हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय भाई, एक ऐसा संग्रहालय जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, तो वो कौन सा है भाई?
गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, ठीक है, इसको कब बनाया था, 1992 में। कब बनवाया गया था भाई, 1992 में बनाया गया था। और ये जो है आपका व्यक्तिगत संग्रहालय है हरियाणा का पहला, गुलजारी लाल नंदा का। इसके ये भाई कुरुक्षेत्र में पड़ता, कहाँ पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में। ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र में है और ये संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र में है। इसके साथ एक और याद रखना, वो है श्री कृष्ण संग्रहालय। एक बार तो ये भी पूछा गया था, श्री कृष्ण संग्रहालय, तो ये भी कहाँ है भाई, कुरुक्षेत्र में ही है। और 1987 में बना था, कब बना था, 1987 में। और एक एग्जाम में भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन क्या था, पानीपत संग्रहालय, पानीपत संग्रहालय। भाई सीधी सी बात है, जब नाम में ही पानीपत आ गया तो ये कहाँ रहेगा, पानीपत में रहेगा। बस इसका डेट याद रखना 2000, कब, 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो पहला व्यक्तिगत संग्रहालय आप लोग को पता होगा 1992 गुलजारीलाल नंदा, अगर नहीं पता तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्ण संग्रहालय भाई 1987 कहाँ पर, कुरुक्षेत्र में। पानीपत संग्रहालय, नाम में ही पानीपत है तो कहाँ रहेगा ये, पानीपत के अंदर, ठीक है भाई। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि पंडित बस्ती राम जी कौन है। पहले सुना हो क्या कभी बस्ती राम जी, तो देखो भाई पंडित बस्ती राम जी कौन है। ये ना एक कौन है, समाज सुधारक है भाई, पंडित बस्ती राम। पंडित बस्ती राम जो है ना, ये क्या है, एक समाज सुधारक है। कौन होंगे, समाज सुधारक। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है, पंडित बस्ती राम कौन थे, एक ये समाज सुधारक थे, एक क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन देखो इन्हीं के बारे में है, क्या चीज है कि पंडित बस्ती राम जो है दयानंद भाई, सरस्वती दयानंद थे ना, उनसे कब मिले थे। तो याद रखना, पंडित बस्ती राम ना ये 1880 में दयानंद जी से मिले, और उसके बाद में ये क्या हो गए, आर्य समाज के प्रचारक। यानी कि इन्होंने आर्य समाज का प्रचार कब आरंभ किया, 1880 में, किसके मिलने के बाद, दयानंद जी के बाद, ठीक है। दयानंद जी से मिले और उसके बाद में इन्होंने आर्य समाज का क्या किया, प्रचार किया। और खास बात ये है कि ये बस्ती राम जी अंधे हैं। कौन है, एक अंधे व्यक्ति, ठीक है। बस्ती राम जी कौन थे, एक अंधे। 1842 में इनका जन्म हुआ था भाई, कब हुआ था, 1842 में, और 1963 तक, 1963 तक बोलते हैं। और वैसे आप लोग इसका एक्चुअल देखोगे ना, 1842 से 1959 मिलता है, लेकिन कई जगह 63 भी दे रखा है। चलो ये तो मैटर नहीं रखता हमारे लिए, लेकिन बस इतना जरूर याद रखना कि बस्ती राम जी का संबंध जो है ना, वो एक समाज सुधारक से है, ठीक है। समाज सुधारक थे ये, और आर्य समाज के प्रचारक कब बने, 1880 में, किससे मिलने के बाद, दयानंद जी से मिलने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न पुस्तक किसने लिखी भाई। सबको पता भाई, एक तो है हरियाणा का इतिहास, और एक रहेगा हरियाणा के नवरत्न। तो दोनों पुस्तक किसने लिखी भाई, श्री राम शर्मा ने, किसने लिखी थी, श्री राम शर्मा ने। और इनका संबंध कहाँ से है, आपके हरियाणा में झज्जर जिले से है। 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1999 तक रहेगा, ठीक है। 1899 से लेकर के 1999 तक। संबंध कहाँ से है इनका, झज्जर से। एक चीज और याद रखना, इन्होंने ना एक साप्ताहिक पत्र लिखा था, तो उसको भी याद कर लेना भाई, ठीक है। श्री राम शर्मा ने एक साप्ताहिक पत्र निकाला, वो क्या था, 1929 में, हरियाणा तिलक, ठीक है। कौन सा निकाला, हरियाणा तिलक। किसके द्वारा निकाला गया भाई, श्री राम शर्मा के द्वारा 1929 में निकाला गया, और हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में, हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले दो क्वेश्चन है भाई, दोनों के दोनों 3 बार रिपीट हुए हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, और अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला। तो वो दोनों चीजें देख लो भाई आप लोग अभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले हम लोग सिरसा पढ़ते आ रहे थे, और अभी भी सिरसा पढ़ते हैं ना, पहले इस सिरसा से पहले भिवानी पढ़ते थे, तो भिवानी से अब चरखी दादरी अलग हो चुका है, तो वो ये क्षेत्रफल घट चुका है। तो प्रेजेंट टाइम पे फर्स्ट पोजीशन में जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रहेगा वो रहेगा सिरसा। कौन सा रहेगा, सिरसा। अगर आप लोग सेकंड नंबर की बात करोगे तो दूसरा सबसे बड़ा रहेगा हिसार, 3983 किलोमीटर स्क्वेयर इसका क्या रहेगा, एरिया। अगर वो उसने दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा था कि
हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा क्षेत्रफल में जो है वो कौन सा जिला रहेगा? तो पहले देखो, पहला सबसे छोटा जो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? फरीदाबाद भाई। कौन सा? फरीदाबाद, 742 किलोमीटर स्क्वेयर। और दूसरा सबसे छोटा रहेगा वो है पंचकुला, 898 किलोमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो सबसे बड़ा सिरसा है, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा हिसार रहेगा, सबसे छोटा आपका कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। और सेकंड सबसे छोटा कौन सा रहेगा? पंचकुला भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी कौन सी भाई? कपड़ा मार्केट पूछ रहे। तो एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो है वो कहाँ पर होगी? रोहतक में है। और किस नाम से है? सोरी मार्केट से। दो क्वेश्चन बनते हैं भाई, एक तो यमुनानगर से क्वेश्चन आता है और एक रोहतक से। अगर वो भी पूछे कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, तो याद रखना रोहतक में है, सोरी मार्केट के नाम से। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यमुनानगर से था वो, कि क्वेश्चन ये पूछा था कि जो टिम्बर मार्केट है वो किससे संबंधित है? टिम्बर मार्केट भाई, याद रखना टिम्बर मार्केट जो है ना वो लकड़ियों से संबंधित है, यानी कि जिसको हम लोग पहले काठ मंडी के नाम से बोलते। क्या? काठ मंडी। और इसका टिम्बर मार्केट का प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर मंडी। क्या नाम था भाई? अब्दुल्लापुर मंडी बोलते थे इसको। टिम्बर मार्केट है ये कहाँ पड़ती है? यमुनानगर में है, जिसका प्राचीन नाम अगर आप लोग पढ़ोगे तो वो क्या मिलता है? अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से मिलता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण प्रशिक्षण स्थान, पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है हरियाणा के, या फिर किस जिले में पड़ता है? तो याद रखना ये स्थापित किया गया भाई कहाँ पर? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। ठीक है, तो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर होगा? गुरुग्राम में। और पर्यावरण न्यायालय की बात करें तो कहाँ होगा भाई? पर्यावरण न्यायालय, तो पर्यावरण या न्यायालय की बात करें ना, तो ये हरियाणा के दो जिलों में है। कौन कौन से? पहले ये था हिसार और फरीदाबाद में। कहाँ कहाँ पर था भाई? हिसार और फरीदाबाद में। लेकिन अब ना ये हिसार वाला कहाँ ट्रांसफर हो चुका है? करनाल में। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा? करनाल और फरीदाबाद। पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम में होगा, पर्यावरण न्यायालय करनाल और फरीदाबाद रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर वो पूछे पर्यावरण समिति, तो 1992 में बनाई गई थी, और इसका जो है मुख्यालय जो वो कहाँ रहेगा? मेवात। ठीक है, कहाँ बनाई गई थी? मेवात में, 1992 में। तीन चीज याद रखना। ठीक है, उसके आगे जो क्वेश्चन है वो देखिए। अब अगला क्वेश्चन ये कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी है भाई? शिवालिक पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना शिवालिक पर्वत श्रेणी है ना वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में भाई। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में शिवालिक पर्वत श्रेणी। जो शिवालिक है वो हरियाणा के कहाँ पर पड़ेगी? उत्तर पूर्व में ही है। ठीक है, और इसी एरिया में आपके हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी कौन सा रहेगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र ही रहेगा हरियाणा का। और यहीं पर आपकी शिवालिक पर्वतमाला है, या फिर वो बोले कि कौन कौन से जिले इसको टच करते हैं, या फिर कहाँ शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के किस किस जिले में है? तो देखो भाई, अम्बाला, पंचकुला, करनाल, यमुनानगर, तो ये सारे जिले भाई कहाँ है? शिवालिक पर्वतमाला के अधीन ही है। ठीक है, और इसके अंदर अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है, शिवालिक पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो वो भी याद रखोगे आप लोग, कौन सी है? किरो। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार इसकी लंबाई कितनी मानी गई है? 1514 मीटर में। ठीक है, आपको यही याद करनी है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आया और उसमें यही लेंथ उन्होंने सही माना है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी हमारे पास? किरो। और इसी के जो है 1514 मीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब ना एक चीज़ और याद रखना कि हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला का कितना परसेंट एरिया है? वो तो 1.67% है। कितना है? 1.67। अगर वो यही पूछे कि अरावली पर्वतमाला का कितना है, तो वो याद रखना 3.09% है। हरियाणा में अरावली पर्वतमाला 3.09% है, शिवालिक 1.67% है। और अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी भाई? ढोसी की पहाड़ी। कौन सी रहेगी? ढोसी की पहाड़ी, जिसकी लेंथ कितनी मानी गई है? 600
52 मीटर। और ये अरावली पर्वतमाला आपके दक्षिण में पड़ती है हरियाणा के, ठीक है। महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी, गुरुग्राम, ये सारे के सारे जिले जो हैं अरावली पर्वतमाला के अधीन आते हैं। मेवात, अरावली पर्वतमाला को हम लोग मेवात की पहाड़ी के नाम से भी बोलते थे, ठीक है भाई। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस हरियाणा प्रीवियस ईयर के, ये पहला पार्ट था भाई बच्चों, बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो भाई जितने क्वेश्चन भी आप लोगों को ये करवाए जा रहे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यही रिपीट होता है, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन उसके पार्ट्स यानी कि उसी के आगे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लो अब क्वेश्चन तो हमने शिवालिक वाला पढ़ा था, तो हमने अरावली के बारे में पढ़ लिया, इसकी चोटी कौन सी सबसे ऊंची, वो सभी कितना परसेंट एरिया आता है, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट सभी को, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए भाई, ऑल द बेस्ट सभी को।